सबसे बड़ा जो चैलेंज पिछले 4-5 साल से है, कोविड के बाद से, आप देखें ए टीम के हमारे टूर्स नहीं है, ठीक है ना, तो वो एक इतना एक मिसिंग लिंक है ना। 119 के भी टूर्स कम हो गए, फिर ए टीम अभी शाहींस का एक स्टार्ट हुआ एक न्यूजीलैंड टीम के, उसके बाद वो सिलसिला नहीं चल सका। अब उसमें सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं, क्योंकि उसके लिए कंसेंट दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का भी चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक सारे उसके एक्सपेंस वगैरह बेयर करने होते हैं, तो उस तरह की स्लॉट मिल नहीं रही थी। लेकिन इस चीज़ को एक सीरियसली लेना चाहिए। अब जैसे पीछे एक टूर हुआ था अभी जिम्बाब्वे का ए टीम का, चले उसमें मैं कहूँगा उसके उतने ज़्यादा आपको फ़ायदे नहीं, कि जिम्बाब्वे की ए टीम से खेल के पाकिस्तान ए को उतना फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन चलो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो ये में जो बड़ी नेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इन सारों के साथ अगर ए हमारे टूर्स शुरू हो जाएं, तो हमारे 90% जो मसाइल हैं वो आपके हल हो जाते हैं। और इसको एक पॉलिसी सॉर्ट ऑफ बना लेना चाहिए। इंग्लैंड की टीम देखिए, एकेडमी यूज नहीं होती यार, बिल्कुल आपकी एकेडमी जिस काम के लिए एकेडमी है, 9-9 महीने एकेडमी में कोई कैंप्स नहीं होते, अंडर 19 के कोई स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं होता। जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते हैं सीजन खत्म करके कहां होते हैं वो लोग, उनमें से लड़कों को पिक किया जाए ना। अकेडमी को तो एक स्कूल है, स्कूल आए बच्चे आए वहां पे सीखे, इतने सारे कोचेस करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, अकेडमी आपकी खाली पड़ी रहती है, 8-8, 9-9 महीने कुछ भी नहीं होता वहाँ। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारा कि देखिए अभी जो मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स, ऑब्वियसली मैं डोमेस्टिक में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं पीएसएल में भी इन्वॉल्व हूँ, कुछ और भी चीज़ें कर रहा हूँ साथ में, जो मोस्टली टैलेंट हमारा आ रहा है वो केपीके से आ रहा है जी। एक ही कंप्लेन आती है कि सर किसी तरीके से हमें रख लें, चाहे वो पीएसएल के लड़के हैं और एस्टैब्लिश लड़के, ये नहीं कि मैं क्यों आम से लड़के कि हमारे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर। एक तो हम वहाँ पर जो चीज़ें डेवलप करें, एक तो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि वहाँ पे ग्राउंड्स एकेडमीज बने, और जो बनी हुई है ऑलरेडी उनको आप बात तो करें, मेंटेन करें उनको, और जो बनी हुई है अभी पिंडी में देख लें आप, मतलब एक एनसी आपकी है, आई डोंट नो वहाँ पे भी कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन बाकी शहरों में जितनी आपकी एकेडमीज हैं कुछ भी नहीं वहाँ पे नहीं हो रहा ना। एकेडमी का मकसद ये है कि ऑल ईयर अराउंड वहाँ पे आपके कोचिंग कोर्स हुआ है, और देखिए हम कोचेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, काम भी तो लेना, वो भी इसीलिए हुआ है कि कोचेस किसको ट्रेन करेंगे, वो इसीलिए हुआ है कि वो जो एकेडमी है ना वहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको जरा फाल करना है। नहीं ये अरसा दराज हो गया कराची की एकेडमी को बने, मुल्तान की एकेडमी को बने बहुत टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो हम जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उनको यूटिलाइज तो करें ना पहले उसको, कि अभी हम काम की जो बात कर रहे थे, एक विजन की बात कर रहे थे, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। जब दिल किया जी चलें 10 दिन के लड़कों को बुला लेते हैं, पूरे साल का एक प्लान बने, ठीक है, बैटिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, बॉलिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, फिटनेस में हम इस तरफ जा रहे हैं, इनके कैंप्स लगने हैं, स्पेशल आपके कोचेज हों, ये नहीं कि किसी को उठा के किसी टाइम वहाँ पे भेज दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। आप अचानक से जागते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो शॉर्ट टर्म कैंप, और उसके बाद अचानक से फिर सन्नाटा हो जाता है, सो जाते हैं। वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जो T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमारी डिस्कशन पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से हो रही थी, द चैलेंजेस दैट वी गो थ्रू, और जहां जहां हमने बेहतरी करनी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस, जहां हमने बेहतरी करनी है, फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, मतलब जो क्रिकेट खेल रहा होता है ऑब्वियसली ना वो पढ़ाई की तरफ जाता है ना वो किसी और जॉब की तरफ जाता है। बट अब अगर हम आज के मैच की तरफ फोकस करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड हो गया एक ज़माने तक आयरलैंड भी, मगर अब आयरलैंड में फुल फ्लेज क्रिकेटर्स हैं, बट ना यू टॉक अबाउट स्कॉटलैंड और दूसरी टीम्स जो सिंगापुर, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, इवन देन दे परफॉर्म ऑन द गिवन डे। तो हम ये सारी क्या लेम एक्सक्यूजेज हैं एट द एंड ऑफ द डे? नहीं ऐसा तो नहीं, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता, अगर पाकिस्तान से रिलेट कर रही है जितना तो जितनी इनके मुकाबले में फैसिलिटीज हैं उतना हर दफ़ा परफॉर्म करते हैं नहीं? वो कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं या इवन क्वालिफाई किया सुपर एट के लिए, तो वो आप, मैं समझ रहा हूँ आपका जिस तरफ आप आ रही हैं, लेकिन अब ये नहीं कि हम इस लेवल पे आ गए हैं जी कि हमारा कंपैरिजन आप स्कॉटलैंड का आयरलैंड से होगा। एक्सक्यूजेस की बात, हाँ देखिए हमने कंपीट करना है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे जाना है, हमने इंडिया को मैच करना है चीज़ों के अंदर, तो वो सिस्टम हम वो कंपैरिजन करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो फिर आगे से जैसे मैंने जवाब दिया आपको सीधा आ जाएगा ऐसे जवाब कि उन्होंने क्या कर लिया, हम तो ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। देखिए ना ऑब्वियसली हम बात क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्रिकेटर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे देखें एक चीज़ जब एक हो जाएगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से वो सारे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो प्लेयर है। जब एक प्लेयर की रिस्पेक्ट और उसकी उसको प्रायोरिटी हमने देना शुरू कर दी, हमारे सारे मसले हल हो जाने, कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द प्लेयर,
कि प्लेयर के लिए हमने उसको कंफर्ट देनी है, चाहे वो डोमेस्टिक का प्लेयर है। एक तरफ हम प्लेयर पावर के लिए रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं प्लेयर को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट तो मिल रही है प्लेयर को, इतनी मिल रही है कि वो अपनी डोमिनेंस कर रहे हैं, इतनी मिल रही है कि उन्होंने डेटा इस्तेमाल नहीं करना तो नहीं करना, मिल ही रही है ना रिस्पेक्ट। ये क्या है, मैं अब एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, आपने फिर एक बीच में से ना छोटा सा निकाला है। देखिए ना, जब आप प्लेयर को रिस्पेक्ट देंगे, उसको उसका काम भी बताएंगे, ये आपका काम है, ठीक है ना, आपका काम है परफॉर्मेंस देना, पाकिस्तान को मैचेस जिताना, अपनी गेम बेहतर करना, ठीक है ना। कोचेस आपने परफॉर्मेंस लेनी है इनसे, ठीक है ना। अब देखें, एक जो चीज़ अभी जिस टॉपिक हम पहले बात कर रहे थे कि कोचेस जो कोचिंग है ना, वो दो तरह की है, एक डेवलपमेंट कोचिंग है आपकी और एक आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड कोचिंग है, ठीक है ना। टीम के साथ जो भी होगा उसका काम एक है कि इस टीम से मैंने परफॉर्मेंस लेनी है, वो उनको वहाँ पे प्लेयर डेवलप नहीं करेगा, वो उनकी टेक्निकें नहीं चेंज कराएगा, उसकी जो मेन काम है उसका इससे परफॉर्मेंस लेना। अकेडमीज के अंदर हमारे जितने कोचेज हैं जो ऑफ सीजन काम करते हैं, वो डेवलपमेंट कोचेज हैं आपके, कोई माइनर चेंजेस करानी है, क्रिकेट आपने सिखानी है बेसिकली। हम इस चीज़ को भी हम अभी तक वो अलहदा नहीं कर सके हैं कि अक्सर आपने देखा होगा बहुत अरसा अगर आप पूरी से निकालेंगे, माजरत चाहता हूँ पता करने की, हम तो अपने डेवलपमेंट कोचेज को पाकिस्तान की टीम के साथ लगा देते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी तरह आ रहा हूँ, ये अभी का नहीं, आप पिछले 15-20 साल से उठा के देख लें कि आपके जो डोमेस्टिक कोचेज हैं जो टीमें रन करते हैं, वो मोस्टली आप कह सकते हैं ये परफॉर्मेंस कोचेज हैं, पूरा साल ये ग्रुप्स के साथ काम करते हैं जी, 15 का स्क्वाड है, 20 का स्क्वाड है, वो कैंप्स भी किए, उनसे ट्रॉफी भी खिलवाई, उनको फर्स्ट क्लास सारे खिलवाया। जब कोई ए टीम का टूर आता था या कोई अंडर 19 का टूर आता था, कोच कहाँ से आता जी, एनसीए का जो कोच है वो आपने उठा के भेज दिया। देयर यू डोंट नीड अ डेवलपमेंट कोच, यू नीड अ परफॉर्मेंस कोच। तो मैं इस चीज़ को, बात फिर वही है, काम अगर हम करेंगे, होमवर्क करेंगे, सोचेंगे, फिर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। पिक एंड चूज़ करेंगे जी, इसको इधर भेज देते हैं, इसका नाम बड़ा है ज़रा इसको इधर भेज देते हैं, इसका नाम छोटा है इसको इधर भेज देते हैं, नहीं। जब आप आइडेंटिफाई चीज़ें कर लेंगे कि सूटेबल कौन है उस जॉब के लिए, डेवलपमेंट कोच डेवलपमेंट करें, परफॉर्मेंस कोचेस परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका एक थर्ड टीयर जो आता है, जो आता कोचिंग के ज़िम्मे में है, लेकिन वो आपके जो मेंटोर्स या आपके जो होते हैं जो सपोर्ट के लिए, जैसे अभी इंडिया की और बात करें, वो लोकल जाके प्लेस ले लेते हैं, न्यूजीलैंड वाले जाएंगे इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया वाले जहाँ पे आएंगे, दैट्स वेयर हमारे जो प्लेयर्स जो लेजेंड्स हैं जिनका एक्सपीरियंस खेलने का है, बेशक उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो आपको टेक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, लाइक अभी सुहेल, आई डोंट नो वो हमारे साथ अभी हैं, सुहेल बिल्कुल हमारी जॉइन इन, जैसे सुहेल है, सुहेल से ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं ख्याल है किसी पाकिस्तानी का होगा सीपीएल का एज अ बॉलर, ठीक है ना। अगर मुझे, मैं हेड कोच होता, मैं कहता आई नीड सुहेल तनवीर विद द टीम, जो कि बताए यहाँ पे लाइन लेंथ क्या चलनी है या बॉल कैसे स्विंग होता है, कौन सी वेरिएशन चलनी है। हम वो चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ बस एक लकीर के फकीर बन जाते हैं जी, इसका नाम है, इसका नाम है, चलो इनको लेके चले जाते हैं, ठीक है ना।